काम की उम्र एक से एक कौन नेतृत्व है उनका नेतृत्व इसका निर्माण भारत की साथ है जो पहले गिर गई थी ये सब होते हैं मुद्दा जल में थल में नभ में हमारी मजबूती है मुद्दा हम ब्रिटिश देश के बराबर ही आज हाथ बढ़ाए हुए हैं उसका भी तक पहुंच गए हैं यदि भी हमको अभी जो एक पावर मिलती है जो एक लिमिटेड देश होता है आप सब जानते हैं वीडियो पावर जी वो हमको मिलते मिलते हमारा एक अति प्यारा देश है पड़ोसी देश वो हर बार अपनी उम्मीदें लगाते कोशिश जारी है उसकी लेकिन हम उनसे कम नहीं है कहीं सबसे बड़ी बात यह है और मुद्दा यूनैनिमस लीडरशिप है निर्विवाद रूप से अगर कोई विश्व का नेता है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी है इस देश की इस देश से ऐसी है अधिकांश देशों की ऐसी है लेकिन एक ही व्यक्तित्व ऐसा है माननीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ भी बराबर रूप से विश्व में आज की मान्यता मिली ये सबसे बड़ी बात है कांग्रेस का न्याय पत्र तो किस तरह देखा कुछ नहीं है झूठ का बुलंद है कुछ भी नहीं है कितने न्याय पत्र निकाले कांग्रेस का आजादी का पुलिसका आजादी के बाद से आज वो भ्रम में डालते रहे आज भी संसद सत्र जब करते हैं उनके नेता ही एंड मारो और भाग देश का उनको कभी प्राप्ति नहीं है जो आज न्याय पत्र घोषणा पत्र आज आप ड्रामा कर रहे हैं ये तो आप 75 साल में से 10-5 साल निकाल दीजिए शेष तो आप ही की सरकार चली स्थिति क्या हो गई देश की कर्जे में डुबा दिया रोज एक बिस्तर बंद हो रहा था मैं मेरा परिवार मेरे बच्चे के सब शहीद हो गए देश की सुनती नहीं गरीबी का रेशो बहुत बढ़ गया गरीबी में और देखने वाला कोई नहीं था ये सारी स्थितियां तो आपकी दे रहे ना खुद आपके माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने कहा कि मैं अगर 1 रुपया दे रहा हूँ तो 85 पैसे कहाँ जा रहे हैं 15 पैसा प्राप्त हो रहा है तो भाई 85 पैसे कहाँ जा रहे थे आप ही के लोगों की जेब में जा रहे थे आज मोदी जी ने आते ही कहा 1 रुपया दे रहा हूँ तो 1 रुपया धरती पर लगना चाहिए और बिचौलिए खत्म इसीलिए तो कह रहे हैं कि मोदी जी को हटाइए देश को बचाइए मतलब जिन्होंने देश समाप्त कर दिया था सत्तर में लीजिए वो आज ये स्लोगन दे रहे हैं मेरी बेटी मेरे बेटे को लाइए मेरे परिवार वालों को लाइए नहीं कह रहे तो इस तरह का एक स्लोगन देके भ्रम पैदा कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया एयर स्ट्राइक किसने किया चाइना ने जो किया था हमारा गलवान में सबक किसने सिखाया ये सिर्फ एक